शहर की ताजा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। स्थानीय राजाबेट पुलिस थाना अंतर्गत न्यू प्रभात कॉलोनी निवासी ग्रामीण पुलिस दल के ASI दिलीप चौहान के घर से कल उनकी बेटी नम्रता परमार के 1.5 माह के बेटे धैर्य परमार को किसी अज्ञात व्यक्ति ने अपहृत कर लिया था और घटना के दूसरे दिन यानी सोमवार 30 नवंबर की सुबह 8:30 बजे घर के आंगन में मौजूद कुएं के पानी में 1.5 माह के धैर्य का शव दिखाई दिया, जिसके बाद पूरे शहर में हड़कंप मच गया है और अब पुलिस इस जघन्य वारदात को अंजाम देने वाले व्यक्ति की सरगर्मी से तलाश कर रही है। जानकारी के मुताबिक न्यू प्रभात कॉलोनी परिसर में रहने वाले ASI दिलीप चौहान अपनी पत्नी जयश्री व पुत्र प्रणव चौहान के साथ रहते हैं। वहीं उनकी विवाहित बेटी नम्रता परमार 2 माह पूर्व अपनी प्रसूति के लिए अपने मायके आई थी और 1.5 माह पूर्व ही उसकी प्रसूति हुई थी। तब उसने एक बेहद प्यारे से बच्चे को जन्म दिया था, जिसका नाम सभी ने बड़े प्यार से धैर्य रखा था। गत रोज जब धैर्य के नाना दिलीप चौहान अपनी पत्नी के साथ किसी समारोह में शामिल होने हेतु गए थे और घर पर प्रणव तथा नम्रता के अलावा 1.5 माह का बालक धैर्य थे, इस समय दोपहर 1:30 बजे के दौरान नम्रता ने धैर्य को दूध पिलाया और उसे पलंग पर रखकर वॉशरूम गई। इस वक्त प्रणव चौहान घर के एक दूसरे कमरे में बैठकर टीवी देख रहा था। नम्रता जब 3-4 मिनट के भीतर वॉशरूम से बाहर आई तो उसे अपने कमरे के बेडरूम में धैर्य दिखाई नहीं दिया। तब उसे लगा कि शायद धैर्य को प्रणव अपने कमरे में ले गया होगा और वह प्रणव के कमरे में पहुंची, लेकिन धैर्य वहां पर भी नहीं था। जिसके बाद किसी अनिष्ट की आशंका से घबराकर दोनों भाई बहन ने पूरे मामले से अपने पिता दिलीप चौहान को अवगत कराते हुए आस पड़ोस में धैर्य की खोजबीन करनी शुरू की, लेकिन चारों तरफ देख लेने के बावजूद धैर्य का कहीं कोई पता नहीं चला। इस समय तक दिलीप चौहान भी अपनी पत्नी के साथ घर लौट आए और पूरा मामला समझते हुए उन्होंने इस मामले की सूचना राजाबेट पुलिस को दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर न्यू प्रभात कॉलोनी परिसर में चौहान परिवार के अड़ोस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करते हुए मामले की जांच शुरू की। साथ ही पुलिस ने चौहान के घर के आसपास करीब 8 से 10 मकानों पर लगे CCTV कैमरों के फुटेज भी खंगाले और रविवार की सुबह से दोपहर तक जितने भी लोग एकनाथ विहार व न्यू प्रभात कॉलोनी परिसर में आए थे, ऐसे करीब 30 संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया, लेकिन उनसे कोई खास जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई। इसके अलावा पुलिस ने धैर्य की खोज के लिए पुलिस डॉग लूसी की भी सहायता ली, जो नम्रता के बेडरूम से गेट तक पहुंची और वहां से करीब 30 मीटर की दूरी पर स्थित रेलवे पटरी तक दौड़ी, लेकिन यहां से आगे लूसी भी कोई मदद नहीं कर पाई। चौहान परिवार के आंगन में एक कुआं है जिसे लोहे की मजबूत व वजनी जाली से ढका गया है, जिसके ढक्कन को आसानी से खोला नहीं जा सकता और यह जाली हमेशा पूरी तरह से बंद रहती है। लेकिन गत रोज धैर्य के लापता होने के बाद जब उसकी खोजबीन शुरू की गई तब कुएं की जाली का ढक्कन खुला हुआ पाया गया था। ऐसे में किसी आशंका की वजह से दोपहर से लेकर शाम तक सभी ने इस कुएं में झांका था। साथ ही पुलिस ने भी आसपास स्थित नालों में जाकर तलाशी की थी, लेकिन कहीं पर धैर्य का कोई सुराग नहीं मिला था। लेकिन सोमवार की दोपहर 8:30 बजे के आसपास परिवार के किसी व्यक्ति द्वारा कुएं में झांक कर देखने पर कुएं के भीतर पानी में बच्चे का शव दिखाई दिया, जिसकी जानकारी तुरंत राजापेट पुलिस को अवगत कराई गई और एक बार फिर शहर पुलिस के तमाम आला अधिकारी यहां पर पहुंचने शुरू हुए। गत रोज धैर्य के लापता होने के बाद राजापेट पुलिस ने धारा 363 के तहत अपहरण का मामला दर्ज किया था। वहीं अब धैर्य की लाश बरामद होने के बाद पुलिस ने धारा 302 के तहत हत्या का अपराध दर्ज करने की तैयारी शुरू की है। साथ ही धैर्य के शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि धैर्य को जिंदा ही कुएं के पानी में फेंक दिया गया था और कुएं के पानी में डूबने की वजह से इस बच्चे की मौत हुई थी। इस समाचार को प्रसारित करने तक पुलिस इस जघन्य वारदात को अंजाम देने वाले व्यक्ति की तलाश में जुटी हुई है और तमाम सुरागों की कड़ियों को आपस में जोड़ा जा रहा है। कल मंगलवार 1 दिसंबर को अमरावती संभाग में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव हेतु मतदान होना है, जिसके लिए सोमवार 30 नवंबर की दोपहर बाद संभागीय राजस्व आयुक्त कार्यालय से मतदान से संबंधित साहित्य लेकर निर्वाचन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी अपनी अपनी ड्यूटी वाले मतदान केंद्रों के लिए रवाना होने शुरू हुए। संभागीय राजस्व आयुक्त कार्यालय में सोमवार की सुबह से ही सभी मतदान केंद्र अधिकारियों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया था, जिन्हें मतदान से संबंधित साहित्य वितरित करने के साथ ही संभागीय राजस्व आयुक्त पीयूष सिंह द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। साथ ही आयुक्त पीयूष सिंह ने मतदान केंद्र अधिकारियों को वितरित किए जाने वाले मतदान साहित्य का मुआयना भी किया। इस समय मतदान केंद्र अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए एक बार फिर से मतदान की प्रक्रिया के बारे में प्रात्यक्षिक दिखाए गए और पूरी मतदान प्रक्रिया का काम बड़े जिम्मेदारी पूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु कहा गया।
शहर में स्थित मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपना अपना जिम्मा संभालते हुए मतदान केंद्र अधिकारियों ने वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने हेतु गोल मार्किंग बनाने, सूचना फलक लगाने सहित अन्य आवश्यक तैयारियों को पूर्ण करना शुरू कर दिया है और लगभग सभी मतदान केंद्रों पर मतदान से संबंधित तमाम आवश्यक तैयारियां अब पूरी हो चुकी हैं। केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए कृषि कानूनों के खिलाफ देश के लाखों किसान आक्रामक हो गए हैं और इस समय पंजाब व हरियाणा से हजारों किसान दिल्ली की सीमा पर पहुंच गए हैं, जहां पर सुरक्षा दलों ने उन्हें रोक रखा है और किसानों व पुलिस के बीच कई बार झड़प भी हो चुकी है। ऐसे में किसानों की भीड़ को तितर बितर करने हेतु पुलिस द्वारा बल प्रयोग भी किया जा रहा है, जिसे लेकर विपक्ष द्वारा मोदी सरकार की जमकर आलोचना की जा रही है। इसी पार्श्वभूमि पर महाराष्ट्र के राज्य मंत्री बच्चू कड़ू ने मोदी सरकार को 3 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि केंद्र सरकार ने सभी किसानों को सम्मानपूर्ण ढंग से दिल्ली आने देना चाहिए और उनसे बातचीत करनी चाहिए। यदि 3 दिन में इस आंदोलन का समाधान नहीं निकलता है तो इस आंदोलन का समाधान करने हेतु वे स्वयं महाराष्ट्र के हजारों किसानों के साथ दोपहिया रैली निकालते हुए दिल्ली पहुंचेंगे और वहां पर डेरा आंदोलन करेंगे। राज्य विधान परिषद की सीट हेतु अमरावती संभागीय निर्वाचन क्षेत्र में कल मंगलवार 1 दिसंबर को मतदान होना है, जिसके लिए जहां एक ओर प्रशासनिक व्यवस्था चाक चौबंद हो गई है, वहीं दूसरी ओर रविवार 29 नवंबर की शाम चुनाव प्रचार की अवधि खत्म हो गई, जिसके बाद सभी प्रत्याशी और उनके समर्थक अब संभाग के 5 जिले में फैले 36,000 मतदाताओं से व्यक्तिगत संपर्क करने के साथ ही उन्हें लगातार सोशल मीडिया के जरिए संदेश भेज रहे हैं, ताकि अपने पक्ष में माहौल बनाया जा सके। इस चुनाव हेतु कल सुबह से मतदान शुरू हो जाएगा। ऐसे में सोमवार 30 नवंबर की रात को इस चुनाव के लिहाज से कत्ल की रात कहा जा सकता है। बता दें कि अमूमन शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव विभिन्न शिक्षक संगठनों द्वारा लड़ा जाता है, जिन्हें अलग अलग राजनीतिक दलों का समर्थन व प्रश्रय प्राप्त रहता है, लेकिन इस बार राज्य के सत्ता पक्ष व विपक्ष द्वारा इस चुनाव में सीधे अपने प्रत्याशी खड़े किए गए हैं। ऐसे में यह मामला शिक्षक संगठनों और राजनीतिक दलों के बीच टकराव वाला हो गया है। साथ ही अब इस बात को लेकर भी जबरदस्त दिलचस्पी देखी जा रही है कि संभाग के शिक्षक राजनीतिक दलों को प्राथमिकता देते हैं या फिर शिक्षक संगठनों को। हालांकि यह बात 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना के बाद स्पष्ट हो जाएगी। दशम गुरु परंपरा के आद्य गुरु श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व स्थानीय श्री गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा, श्री गुरुद्वारा बुंगा साहिब सहित शहर के सभी गुरुद्वारों व पंजाबी समाज भवनों में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस समय सभी स्थलों पर अरदास सहित शबद कीर्तन का आयोजन किया गया और सभी स्थलों पर पंजाबी व सिंधी समाज सहित गुरु परंपरा में आस्था रखने वाले हिंदू समाज बंधुओं ने भी मत्था टेका। सोमवार को गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व रहने के चलते सभी गुरुद्वारों व पंजाबी समाज भवनों में पूरा दिन जबरदस्त चहल पहल का माहौल दिखाई दिया। कल मंगलवार 1 दिसंबर को अमरावती संभागीय निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव हेतु मतदान होना है, जिसके लिए अमरावती शहर की कुछ शालाओं में मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन शालाओं से निश्चित दूरी के बाद सभी प्रत्याशियों द्वारा अपने अपने पंडाल लगाए जा रहे हैं, ताकि मतदान केंद्रों पर आने वाले मतदाताओं को मतदाता सूची एवं मतदान प्रक्रिया के बारे में आवश्यक सहायता प्रदान की जा सके। जिले में सोमवार 30 नवंबर को कोरोना के 73 नए संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही जिले में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 17,886 पर जा पहुंची। सोमवार को RT-PCR टेस्ट में 57 और रैपिड एंटीजन टेस्ट में 16 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिनमें 7 अल्पवयस्क बच्चों सहित 37 पुरुषों व 29 महिलाओं का समावेश रहा। इनमें अमरावती शहर के 57 व ग्रामीण इलाकों के 16 लोग शामिल हैं। सोमवार को 80 कोरोना संक्रमित मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते कोविड अस्पतालों से डिस्चार्ज भी मिला। जिले में अब तक 17,053 लोग कोविड मुक्त हो चुके हैं। साथ ही इस समय 223 एक्टिव पॉजिटिव मरीजों का कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। वहीं मनपा क्षेत्र में 74 और ग्रामीण क्षेत्र में 159 असिम्टोमेटिक मरीजों को होम आइसोलेशन के तहत रखा गया है। जिले में कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या इस वक्त 456 है। इसके अलावा सोमवार को कोरोना संक्रमण के चलते अमरावती जिले में एक मरीज की मौत हुई है। जिले में अब तक कुल 377 कोरोना संक्रमित मरीज इलाज के दौरान दम तोड़ चुके हैं। अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत एक बार फिर ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया जा रहा है। इस अभियान के तहत बच्चों के आश्रम गृहों व गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड जैसे परिसर में भीख मांगने वाले अथवा सामान बेचने वाले बच्चों सहित शहर में कचरा इकट्ठा करने वाले एवं धार्मिक स्थलों, अस्पतालों, होटल व दुकानों में काम करने वाले छोटे बच्चों को गुमशुदा बच्चे समझकर उनकी खोज की जाएगी और ऐसे बच्चों को उनके अभिभावकों के सुपुर्द किया जाएगा। ऐसे लापता बच्चों की खोजबीन करने हेतु शहर पुलिस आयुक्तालय द्वारा एक बार फिर ऑपरेशन मुस्कान का नवा चरण शुरू किया जा रहा है। शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह के मार्गदर्शन व नियंत्रण के तहत अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र अंतर्गत महिला संबंधित अपराधों को नियंत्रित करने हेतु और महिलाओं व युवतियों को तुरंत सहायता उपलब्ध कराने हेतु 6 दुपहिया वाहनों पर दामिनी मार्शल पथक व 1 पेट्रोलिंग मोबाइल पथक तैयार किया गया है। इस पथक द्वारा 1 नवंबर 2020 से 30 नवंबर 2020 के दौरान
महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम अंतर्गत 2 एवं मोटर व्हीकल एक्ट अधिनियम 142 कार्रवाई करते हुए अपराधों को पर प्रतिबंध लगाया गया, जिसकी वजह से शहर पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत कोई अनुचित घटना घटित नहीं हुई। वर्ष 2013 में 23 जनवरी को जूना बाईपास रोड पर कुम्हारवाड़ा के पास स्थित स्मशान भूमि के निकट नागेश चिंदूजी मराठे नामक 30 वर्षीय व्यक्ति ने यहां से गुजरने वाली एक युवती के साथ अश्लील हरकत की थी, जिसके बारे में युवती की मां ने फ्रेजरपुरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में फ्रेजरपुरा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ स्थानीय अदालत में दोषारोप पत्र दाखिल किया था, जिसकी सुनवाई के बाद प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश श्रीमती उर्मिला जोशी फालके ने आरोपी को पोक्सो अधिनियम की धारा 12 के तहत 1 वर्ष के सश्रम कारावास और 5,000 रुपये के आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई है। माहौली जहांगीर पुलिस ने डबरगांव फाटे के पास नाकाबंदी करते हुए वाहन में ठूस कर ले जा रहे 11 बैलों को छुड़ाकर वाहन सहित 3,60,000 रुपये का माल जब्त किया। साथ ही लालघड़ी परिसर में रहने वाले अब्दुल आरिफ अब्दुल वारिस नामक आरोपी को हिरासत में लिया। शहर में घटित होने वाले अलग अलग अपराधों पर अंकुश लगाने के साथ ही अपराधियों पर दबाव बनाने के लिए शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने अमरावती शहर में ऑल आउट ऑपरेशन चलाने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत 19 नवंबर की रात 11 से 30 नवंबर की दोपहर 2 बजे तक शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह के मार्गदर्शन में शहर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया। इस दौरान 31 तड़ीपारों को ढूंढा गया और 1 तड़ीपार के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसके अलावा कुल 12 बदमाशों के साथ ही 21 अपराधियों को चेक करते हुए उनके ठिकानों की जानकारी ली गई और धारा 188 के तहत 3 अपराध दर्ज किए गए। साथ ही मोटर वाहन अधिनियम के तहत कुल 12 व शराबबंदी अधिनियम के तहत 1 अपराध भी दर्ज किया गया। स्थानीय अपराध शाखा दल ने सोमवार को लोनी पुलिस थाना क्षेत्र में जुनूना स्टैंड के पास नाकाबंदी करते हुए सेंट्रो कार से अवैध तरीके से देशी शराब की ढुलाई कर रहे बडनेरा के नई बस्ती परिसर में रहने वाले रणधीर गुप्ता व राजेश मोरे तथा जुनूना के कैलाश परिहार को हिरासत में लेकर उनके पास से 5 पेटी देशी शराब और कार समेत 1,45,000 रुपये का माल जब्त किया है। जिले के तिवसा पुलिस थाना क्षेत्र में सोमवार के तड़के रायपुर से सूरत की ओर जा रही एक निजी ट्रैवल्स बस में अचानक आग लगी। सौभाग्यवश बस में सवार 52 यात्रियों को समय रहते बस से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे बड़ी अनहोनी टल गई। जानकारी के मुताबिक ट्रैवल्स बस क्रमांक CJ19F0231 यह रायपुर से यात्रियों को लेकर नागपुर अमरावती मार्ग से सूरत की ओर जा रही थी और इस दौरान नागपुर से अमरावती महामार्ग पर तिवसा पुलिस स्टेशन के सामने इस ट्रैवल बस में अचानक आग लग गई। इस समय बस में सवार सभी यात्री गहरी नींद में थे और बस में आग लगने की जानकारी मिलते ही यात्रियों में हड़कंप मच गया। इस बस के कंडक्टर साइड के पीछे का टायर अचानक फूट जाने की वजह से इस ट्रैवल्स बस में आग लगने की प्राथमिक जानकारी मिली है। तिवसा पुलिस थाने में दमकल वाहन मौजूद होने से जलते हुए वाहन पर पानी की बौछार मारकर ट्रैवल्स पर लगी आग पर काबू पाया गया और सभी 52 यात्रियों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले लालखड़ी पुल के पास सोमवार को एक युवक पर चाकू से हमला किए जाने की घटना सामने आई है। घायल युवक को इरविन अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। लालखड़ी परिसर में रहने वाला शेख इसराइल शेख इस्माइल यह सोमवार की सुबह अपने घर से अपनी मौसी के घर पर गया था और वहां से अपने घर की ओर वापस लौट रहा था, तभी लालखड़ी पुल के पास प्लास्टिक गोदाम के निकट इल्लू नामक एक व्यक्ति ने आकर उस पर चाकू से सपासप वार कर दिया। वलगांव पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले मारवाड़ीपुरा में स्थित एक बंद घर को अज्ञात चोर द्वारा निशाना बनाकर 7 ग्राम वजन के सोने की अंगूठी 1 ग्राम सोने की चेन काले रंग का जैकेट ऐसे कुल 33,600 रुपये के माल सहित घर की दीवार पर लगी LED टीवी को फोड़कर अज्ञात चोर फरार हो गया। घर में रहने वाली महिला की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज किया। राजापेट पुलिस ने हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल में अमरावती विभाग शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी प्राध्यापक श्रीकांत देशपांडे की ओर से प्रचार सभा आयोजित करने को लेकर प्राध्यापक श्रीकांत देशपांडे सहित करीब 100 से 125 कार्यकर्ताओं पर कोरोना प्रतिबंधात्मक नियमों व आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। मामले की जाँच चल रही है। राजापेट थाना क्षेत्र में आने वाले गनुवाड़ी परिसर में मोटरसाइकिल सवार अज्ञात बदमाश ने एक महिला के गले से सोने का हार झपट लिया और फरार हो गया। गनुवाड़ी परिसर में रहने वाली यह महिला रविवार की शाम 5 बजे के करीब एक विवाह समारोह में शामिल होने के बाद पैदल ही अपने घर की ओर जा रही थी, तभी मोटरसाइकिल पर सवार 2 बदमाश वहां पर आए और उनमें से एक ने इस महिला के गले पर हाथ मारकर 25 ग्राम वजन का हार छीन लिया और दोनों युवक यहाँ से फरार हो गए। महिला की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। गाड़गे नगर पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले रंगोली लॉन पुष्पक कॉलोनी परिसर में रविवार की आधी रात संदिग्ध रूप से घूम रहे रमाबाई अंबेडकर परिसर में रहने वाले रवि गुजर व अजय इंगोले को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस ने जब इन दोनों युवकों से पूछताछ की तो उन्होंने टालमटोल वाले जवाब दिए, जिसके बाद इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में इन दोनों धड़ल्ले से कोविड नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने ऑल आउट अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इस मुहिम के दौरान
नांदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले होटल चाणक्य के अलावा राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित होटल मिर्ची की जांच करने के बाद यहां पर कोरोना प्रतिबंधात्मक नियमों का उल्लंघन किए जाने की बात सामने आई है। इन दिनों अमरावती पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में विभिन्न पुलिस थाना परिसरों में बड़े पैमाने पर अवैध गौवंश तस्करी किए जाने की घटनाएं बढ़ गई हैं। शनिवार की शाम गाड़गेनगर पुलिस और नांदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र में दो वाहनों से 18 गौवंश को छुड़ाकर 8,15,000 रुपये का माल जब्त किया गया है। वहीं गाड़गेनगर पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में लिया है। गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र के वेलकम पॉइंट के पास नाकाबंदी करते हुए एक वाहन से 5 गाय व 4 बैल ऐसे कुल 9 गौवंश को छुड़ाकर वाहन सहित 4,35,000 रुपये का माल बरामद किया गया। वहीं इस मामले में रतनगंज के गौलीपुरा परिसर में रहने वाले अमीर सोहेल अब्दुल मतीन व एजाज खान अजीज खान को हिरासत में लिया गया। इसके अलावा दूसरी कार्रवाई नांदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र में हाईवे पर की गई। यहां से राहटगांव रिंग रोड से अकोला की दिशा में जा रहे एक वाहन को पकड़कर इसमें भरे गए 9 गौवंश को छुड़ाकर वाहन सहित 3,90,000 रुपये का माल जब्त किया गया। इन दिनों गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र में चेन स्नेचिंग की घटनाएं बड़े पैमाने पर सामने आ रही हैं, जिसके चलते गाड़गेनगर पुलिस ने नागरिकों से सावधान रहने का आह्वान किया है। एक परिपत्र जारी करते हुए नागरिकों से अनुरोध किया गया कि परिसर में कोई भी अनजान अथवा संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देने, बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल लेकर घूमने वाला व्यक्ति दिखाई देने पर उससे पूछताछ की जाए और तत्काल गाड़गेनगर पुलिस थाने से संपर्क किया जाए। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।